दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम सागर वर्मा आप सभी को बहुत बहुत अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जो सीटीआर से नो प्रॉब्लम थे, दोस्तों उसमें भी कुछ ऐसे लोगों का कमेंट आया कि मैंने आपको उस चीज़ की फॉलो किया जिसकी सीटी आपके वीडियो को देखकर मैंने उसे अपने सीटीआर पर फोकस नहीं किया, फिर भी आप मेरे चैनल पर मेरा एडसन डिसेबल हो गया था। दोस्तों इसने हुआ कि मैंने आपको उस वीडियो को आप क्लियरली से फुल वॉच करते नहीं। दोस्तों यही तो है आप लोगों की गड़बड़ी कि पूरा वीडियो को देखते नहीं है और बात को बोलते हैं कि मैं आपके वीडियो को मैं देख के ऐसा किया। तो दोस्तों मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखिए और जिससे आप कुछ समझ सकते हैं कि मैंने उस वीडियो में कहा का और आपको दोस्तों सीटीआर हाई होने पर आप कैसे कंट्रोल करें, मैं इसको भी इस वीडियो बताऊंगा। पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए दोस्तों, कोई इस बीच में स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, इससे क्या होगा स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आज के वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा दोस्तों मेरे चैनल पर जो नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करेगा कि दोस्तों हमेशा यूट्यूब के टिप्स लेके आते रहता हूं। चलिए दोस्तों मैं हमें दोस्तों हमारा क्या होता है कि दोस्तों जब हमारा चैनल मोटाइज होता है तो छोटे बच्चे की तरह होता है, जैसे हमें छोटा बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है, जब तक बच्चा चलना फिरने लायक सही से नहीं हो जाता है तब तक उसी टाइप का हम लोग दोस्तों यूट्यूब का एडसन का भी इसी तरफ का कुछ ख्याल रखना पड़ता है, उसका सीटीआर वगैरह सब कुछ सीपीएम वगैरह सब कुछ देख के चलना पड़ता है कि कभी हमारा सीटीआर हाई तो नहीं हो रहा है कभी लो। दोस्तों क्या होता है कि सीटीआर कभी 10% से ऊपर हो जाता है हमारा अकाउंट क्या होता है गूगल एडसन डिसेबल हो जाता है। एक पहले दोस्तों 28 दिन के पहले डिसेबल होता है, फिर इसको दोस्तों फिर ऐसी तरह दोबारा कभी होता है तो 6 महीने का डिसेबल होता है, फिर ऐसा कभी होता है तो दोस्तों हमेशा के लिए आपके परमानेंटली अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमेशा से सीटीआर को हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ ऐसा ही बताया था दोस्तों कि जैसे उसमें मैंने बताया था कि आप ऐसा सीटीआर जैसे हाई होता है हमारा 10% से ऊपर जाने लगता है। तो दोस्तों हमें मैंने उस वीडियो में एक चीज आपको खास बताया कि आपको यूट्यूब टीम को एक अपना मेल या बकायदा आपको कंप्लेंट करना होगा कि हमारे वीडियो पर इनवैलिड क्लिक हो रहा है, जिससे आप यूट्यूब पर उससे इससे आप यूट्यूब टीम को आप जैसे आप कंप्लेन करेंगे तो इससे क्या होगा भैया आप लोगों को कि आप कोई भी आपको टेंशन फ्री हो जाएगी इसी कि उससे इनवैलिड क्लिक कोई कितना भी करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मैंने भी इसे मेल किया था जिससे मेरे दोस्तों कुछ भी इनवैलिड क्लिक हुआ था, लेकिन दोस्तों अब अपने आप मेरा सीटीआर नॉर्मल होते जा रहा है। दोस्तों मेरा सीटीआर नॉर्मल टाइप का चलता है, 5-7 ऐसे ही परसेंट से अधिक परसेंटेज नहीं जाता है। दोस्तों इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे कि दोस्तों आप यूट्यूब के मानिए आप मेल नहीं करते हैं तो आप ये सब करना झंझट नहीं करना चाहते दोस्तों, आप सिंपली आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, जैसे कि दोस्तों आपको कोई वीडियो वायरल हो। दोस्तों ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि आप लोगों को जैसे कि चैनल हमारा मोटाइज होता है तो उसमें देख सकते दोस्तों कोई ना कोई हम लोग का वीडियो वायरल हुआ रहता है जिससे उस पर इनवैलिड क्लिक बढ़ते जाते हैं, तो जिससे हमारा नया चैनल चल रहा है उस वक्त हम लोग पर ज्यादा व्यूज आते नहीं, जिससे हम लोग का इनवैलिड क्लिक तो बढ़ते रहता है, व्यूज कम आते हैं इनवैलिड क्लिक ज्यादा होता है, जिससे यूट्यूब को लगता है कि यूट्यूब टीम को लगता है कि आप खुद का वीडियो अपना खुद ही वॉच कर रहे हैं जिससे आप इस पर इनवैलिड क्लिक हो रहा है, जिससे हमारा क्या होता है सीटीआर हाई हो जाता है और हमारा गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है। तो दोस्तों इससे सबसे पहले आप इसमें बचे के लिए कि अपना वो जो 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 वीडियो हमारा वायरल हो रहा है उस वीडियो का उस वीडियो को मोनेटाइजेशन ऑफ कर देना चाहिए, जैसे कि पूरी तरह ऑफ ना कर दोस्तों इस पर स्किपल नॉन स्किपल ऐड को बस बंद कर देना, क्योंकि दोस्तों नॉन स्किपल स्किपल ऐड पर ज़्यादा क्लिक होता है। दोस्तों अपने इससे दोस्तों ज़्यादा नहीं आप बस 24 घंटे या 8 घंटा के बाद करें या 16 घंटे आप बस एक दिन के लिए उसको ऐड को बस बंद कीजिए, आपका सीटीआर नॉर्मली से हो जाएगा। दोस्तों जब नॉर्मल हो जाएगा तो वापस जाएंगे उसमें, दोस्तों ज्यादा जब तक चैनल नया है तो ज्यादा अर्निंग करने की कोशिश ना करें क्योंकि इस तरह से सकते हो अपने चैनल से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको पूरी बातें क्लियर हो गई होगी कि दोस्तों अपना सीटीआर हाई हो तो कैसे नॉर्मल करें। तो दोस्तों आई होप यू वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करिएगा दोस्तों, क्योंकि बस तो मैं इसी तरह के यूट्यूब की खबरें लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद वंदे मातरम।